सो गाइस अभी हम उठ गए हैं और बहुत ठंड हो रही है, तो इस फोन की पहली वीडियो है। और कैसे हो रही है मम्मी, हाय बोलो। कैमरा ऑन है, आंखें खोल दो। ऐसे सोती रहेंगी, चलो हम बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं किसी के घर, हमारे पास इनविटेशन है के यहाँ जा रहे हैं हम। चलो अभी चलते हैं। भैया वो देना आइसक्रीम। तो गाइस चलो उतरें। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं। बाय द वे आपको बताना भूल गए थे, हम जा रहे हैं पापा के फ्रेंड के घर पे, तो अभी उनसे ही मिलने जा रहे हैं हम। मेरी मम्मी पहुंचने वाले हैं। और ये सबको ले लिया हमने। आंटी आए करो, ये काव्या है जो कैमरा शाय है, और वहाँ घर पता नहीं आगे आगे चल रहा है। तो गाइस अभी हम भूल भुलैया में फंस गए हैं, गलियां हैं। मम्मी कुछ कहना है आपका? भाई गाड़ी याद रखना बस, गाड़ी तो याद ही रखेंगे। यहाँ पे कोयला जल रहा है और इधर छोटी मोटी गलियां सी हैं। तो गाइस हम देखो इस सुंदर सी छत पे आ तो गए हैं। देखो सब पूरा शहर ही दिख रहा है एक तरीके से। अभी हमारा है उतरने का टास्क। हाँ हाँ पैर रखना पीछे को, वो अच्छे से उतर गई काव्या। हाँ 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 बैठ, हाँ चल, हाँ ठीक है, हाँ हाँ टेढ़ा करना। अरे हाँ तो उतरना तो है ही ना। अरे वैसे ही करना, वो जैसे उतरी है ऐसे हो, हाँ ऐसे हो, हाँ मैं पकड़ के रखूंगी। हाँ पहले नहीं, पहले वो इस पे पैर रख। हाँ हाँ अब थोड़ा बैंड हो जा। हाँ गुड गुड, बस अभी ये मेरा फोन ले दे ध्रुव, थोड़ा चढ़ जाना, मेरा फोन ले जा। आप और मेरा हाँ। फोन मत गिरा देना। ले ये भी तुम। इन्होंने हमारे लिए खाना बनाया है, ये दही पनीर और तो भी हम टेस्ट करते हैं। पहले हम चटनी खाते हैं। चटनी तो मस्त है, मैं चटनी से खा लूंगा। चाप जैसी है चटनी। हम चाप जैसी चटनी
देखो यहाँ पे, गाइस देखो यहाँ पे मोर भी है भाई घरों में। ये पालतू ही होगा, ये इधर से उधर घूमता रहता होगा। हाँ, लोग इसके दाने वाने भी डालते होंगे। अभी मैं यहाँ पार्क आया हूँ और इधर मैं स्विंग कर रहा हूँ। वहाँ मेरे दोस्त लड़ रहे हैं और मैं उनसे बिल्कुल ही अलग बैठा हूँ, क्योंकि वो फुटबॉल खेल रहे हैं और मेरे को भी फुटबॉल खेलने का मन नहीं है। तो चलो अब घर मिलते हैं। अभी हम गाड़ी में ही हैं, तो अभी पापा तवा का जो ठीक करते हैं ना, वो देखने गए हैं संडे बाजार। संडे बाजार और बहुत धुंध हो रही है, पर हमारे स्कूल वालों ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, क्योंकि नर्सरी से लेकर फिफ्थ ग्रेड तक उन्होंने छुट्टी कर दी और सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक आना है फिजिकल मोड। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा उदास हूँ और अब मैं साइकिल नहीं चला रहा क्योंकि बिल्कुल स्पेस नहीं है हमारे पास। तो चलो अभी आपको घर मिलते हैं। तो गाइज गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे और आज मैं स्कूल नहीं गया हूँ क्योंकि सब बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो गई है, बस ट्वेल्थ और टेंथ की। अब टेंथ ट्वेल्थ की भी है। अच्छा, मतलब पूरे स्कूल की। एक बात बता, बच्चों को इन्फेक्शन तो चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, ये जो पॉल्यूशन का वो तो सबको ही होगा ना, तो अभी सब बच्चों का ही हो गया है। तो अभी मतलब इसमें मेरी रील वील चल रही है, इसको इग्नोर मारो। अभी ऑनलाइन क्लास फिर भी दिखा दूं क्या? दिखा दूं मेरी रील? ये देखिए, ये न्यू रील दिखाई डाली है मैंने अभी। मैं नहीं करती, आई नो, जैसी भी हूँ लाजवाब हूँ। ऑन किया है, इनकी होगी जूम क्लास। तो अभी तक मैम ने क्या है कि अभी तक स्केड्यूल कुछ भेजा नहीं है, तो जब भेजेंगे तभी ओके होगी। तो कह रहा है इतनी देर में मम्मी मैं साइकिल चलाया हूँ। मैंने कल भी चलाई। अरे तो क्या परले आ गई क्या? क्या हो गया? नहीं चलाई तो साइकिल चलानी है और आज शाम को लेके जाऊंगा। फिर जीत की हमने क्या बोला? आप अपना अच्छा काम करते रहो, माँ बाप खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे, माँ बाप को दुखी करोगे तो आप भी दुखी होगे। मैं जिद नहीं कर रहा, वो स्टैंड लगवा दो ना। ऐसे कितना छोटा सा सिंपल सा रूल है जो कि हर कोई समझ जाए तो कितना सही है। अगर हम अपने पेरेंट्स को दुखी करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम भी दुखी रहेंगे। तो ये कर्मा ही होता है, छोटे छोटे रास्तों पे भी आपके आगे कर्मा आता है, छोटे छोटे रास्तों पे। तो इसीलिए किसी के साथ भी कभी गलत नहीं करना। जो तुझे गलत लगे कि हाँ भाई ये मैं गलत कर रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं करना, जाने अनजाने हो जाए तो उसके लिए भी माफी मांगो, अदरवाइज जानबूझ के तो किसी के साथ भी कोई गलत मत करो। अपनी तरफ से आप किसी को ना रुलाओ ना दुखी करो, किसी का मन दुखी नहीं करना, बस ये जिंदगी में ध्यान रखना तो आप बहुत तरक्की पाओगे जीवन में। ठीक है मेरे बच्चा, यहाँ ज्ञान की बातें बता रही हूँ, संस्कार दे रही हूँ बालक को, इनको स्टैंड की पड़ी है भगवान। तो गाइज इनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेगी और अब आप देखेंगे ये जो ऑनलाइन क्लासेस का होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। तो कल का जो व्लॉग था और आज जो था, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद, छोटे अपना प्यार और बड़े अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण और जय श्री सीता राम।